सभी साथियों को मैं सेवा जवाहर करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, नवाखाई भादो माह के नवमी तिथि को मनाया जाता है और उसके दूसरे दिन ही गाइस गायता ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें गाइस, जो गायता ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम है, सबसे पहले ग्राम स्तर पर मनाया जाता है, उसके बाद गाइस उपखंड स्तर पर, उसके बाद गाइस ब्लॉक स्तर पर मनाया जाता है। तो गाइस, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ उपखंड स्तर पर जो गायता ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जो ग्राम ढोड़गा पारा लिहा गांव, जो कि उपखंड पारोन के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आप बने और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर चंदन और टीके के साथ बारी बारी से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो जितने भी जो उपखंड स्तर से जो आ रहे अतिथियों को यहाँ पर रेला पाटा के साथ शानदार तरीके से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस, अपने पेन पुरखों का जो है सेवा अर्जी करने के बाद गाइस यहाँ सतरंगी झंडा को यहाँ पर फहराया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस अपने जो है पेन पुरखों को जो है एक मोहा का जो दारू से जो एक चाक तरफ का अच्छे जीवन की जो यहाँ पर कामना जो किया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस और जितने भी जो उपखंड से अभी जो सगा घुस रहे हैं गाइस, और सगा घुसने के बाद आप देख पा रहे हैं रुकने में नए चावल से बने चूड़े और ये दारू। और अभी भी आप देख पा रहे हैं गाइस जितने भी जो उपखंड इस तरह से जो गांव से जो अभी आ रहे हैं गाइस, उन लोगों का सगा घुसते जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पुराने रीति रिवाज के अनुसार जब भी अगर हम किसी के अगर घर में पहले हम जाते थे गाइस, तो कुछ इस तरह से ही एक टुकड़ा पकड़ के जो है पहले एक सगा घुसा जाता था। और यही जो एक रीति रिवाज को आज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जितने भी यहाँ पर गाइस बारी बारी से यहाँ पर जो सगा घुस रहे हैं, और उन लोगों को गाइस यहाँ पर जो है शानदार तरीके से रेला पाटा के साथ यहाँ पर स्वागत करते हुए बारी बारी से यहाँ पर जो ला रहे हैं। और ये खास करके गाइस यहाँ एक आदिवासियों की जो संस्कृति ही यहाँ पर ऐसा दिखने को मिलते हैं, और काफी एक अट्रैक्टिव भी लगता है गाइस जब इस तरह की हम संस्कृति अगर देखने को मिले तो। और जैसा कि आप जानते हैं, और इस आदिवासी संस्कृति को ही गाइस विश्व संस्कृति की जो है जननी भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस गुरनाना समाज के जो एक संरक्षक तिरुमाल फूल सिंह मरकाम जी का भी आगमन हो चुका है, और अपने पेन पुरखों से गाइस यहाँ पर अभी आशीर्वाद लेते हुए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस जो टुकना में अगर हम देखें तो ये नए चावल से बने चूड़े और ये दारू यहाँ पर पकड़ के सगा घुसे हैं गाइस। और ये सगा घुसने के बाद गाइस जो जितने भी जो आए हुए यहाँ पर सगा जनों से यहाँ पर जोहार भेंट किया जा रहा है, और इसी कारण से गाइस जो इस पर्व को भेंट घाट का जो है पर्व भी कहा जाता है। और आप सब देखे हो कि हमारे बीच जो सगा निकल के ले गए, किस प्रकार से हम जब भी जहाँ भी सगा निकल जाता और हमारे संग में जो हमारे उपखंड अध्यक्ष तिरुमाल पंचो नेता। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस जो जितने भी जो एक सगा घुस के जो आए थे, और उन जो सगाओं के द्वारा जो लाए हुए जो चिवड़ा और जो एक दारू था गाइस, और उस दारू से अगर हम बात करें तो बेन पुरखों को जो चाक तरफ कर उनके लिए जो एक अच्छे जीवन की जो एक यहाँ पर जो है कामना किया जाता है गाइस, आप देख पा रहे होंगे। और यह जो एक रीति एवं परंपरा एक रूढ़िगत एक परंपरा है गाइस, जो सदियों से जो एक चली आ रही है और इसको हम निभाते आ रहे हैं गाइस। पुरखा ना ज्ञान दे पुनि, यही है संगवारी मन, यही है सगाजन, हमार जो पुरखा की रीति नीति संस्कार हम नाराज हो के और इधर आप देख पा रहे हैं गाइस पूरा जो है आप देख पा रहे होंगे अखंड स्तर पर जाता था मनाने के लिए, यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस चार यहाँ पंडाल लगाया गया गाइस, और
इस उपखंड स्तर पर मनाया जाने वाला जो है यह जो गायता ठाकुर जोहारनी को मनाने के लिए जितने भी जो उपखंड से जो आए हुए सगजन यहाँ पर काफी अधिक तादाद में यहाँ पर भीड़ है और आप देख पा रहे हैं गाइस। जे गोंडी नीला पाटा लिखे और गाथे तिरमार संत उमर का स्वागत गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सफेद गमछे से यहाँ पर जो है पगड़ी बांधा जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं गाइस पुराने राजा महाराजाओं के शासन काल में भी एक पगड़ी पहना करते थे। अगर हम पगड़ी का अगर महत्व देखें गाइस तो एक तरह से अगर हम कहें गाइस ये पगड़ी एक सम्मान का जो प्रतीक माना जाता है और इसी कारण से इस आदिवासी इस रीति रिवाज में पगड़ी का जो एक महत्व एक अलग है और एक सम्मान का गाइस ये प्रतीक माना जाता है, इस कारण से ये पगड़ी बांध करके सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस एक चावल से टीका लगा करके यहाँ पर गाइस स्वागत किया जा रहा है और जितने भी आए हुए यहाँ पर अतिथियों का एवं सगा जन का। और आप देख पा रहे हैं और यहाँ गए अब इसके बाद गए पेन पुरखों को नए चावल से बने चिवड़े को अर्पित करने के बाद और इसके बाद गए से जोहार भेंट करने के बाद यहाँ पर एक जोहार भेंट रेला पाटा अभी गाया जा रहा है तिरुमाल संतु राम नेताम के द्वारा और आप देख पा रहे हैं।
रीति परंपरा संस्कृति रहा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा के काम आज ये परंपरा जे नहीं जानत रहते ते जेवर ए बस्तर के संस्कृति में नहीं जाना केवल तक पहुंचा के काम ये हमारे यूट्यूब फेसबुक और जटिल प्रकार के हमारे सोशल मीडिया में है गमन के माध्यम से वो बाहरी व्यक्ति मन जानते हैं समझते यहाँ के परंपरा ला देखे आते हैं और वो एक हमारे जो जटिल भी हमारे छोटे बड़े यूट्यूबर मन है वीडियो बनाई है सवारी मन है हमारे दादा मन है तो मतलब हर जगह सम्मान करो उम्र के वीडियो शेयर करो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और वाला आगे बढ़ा काम करो और हमारे जो संस्कृति है हमारे रीति नीति व्यवस्था है हम ये ठाकुर जो हर नहीं काय बार मनाए लाए हैं सब जन तो अपन अपन गांव में मनाए ना ओतिक में मन नहीं भरी सके हाँ सही बात है जरूरी है कि हमार ये ठाकुर जो हर के कार्यक्रम लोग विहत रूप में करे के काय जरूरत पड़ी पड़ी हम अक्सर हमार लड़का पिछका मामला कभी भी हमार रीति नीति के बारे में हमार व्यवस्था के बारे में कभी नहीं बता एकर वजह से ये मंच के माध्यम से आप सब जन ने बताया कि आवश्यकता पड़ते ओकर कारण आप सब जन ने पूरा उपखंड के पारोल के समस्त सियान माता बहन सब जन ने बुला लो हवा ताकि ये मंच के माध्यम से आप मतलब सियान मन बताए सियान मन बताई बताने के बाद फिर आप मतलब समझ में आई कि ये ठाकुर जोहारनी गायता जोहारनी का चीज है पिछले समय हम लगातार आप सब जन के बीच में हमेशा बताते आते हैं कि गायता जोहारनी का है यार एक बात और कही कि माता माला बाबा माला मैं कहना चाहता हूँ जो पहना ओढ़ाव की बात है संस्कृति की बात है कि मर रही थी कि कुछ माता मन से हम सुना हम नौ पाटा जोहर नहीं पाटा तो कैसे रही नाम लानू के बोली से लिया गया कि माता मन लीला पाटा गाने वाला उन्होंने तैयार करके रखा है और मैं तिला और हर एक स्वल्पहार के जो चूड़ा है वो वितरण चालू है तो उद्बोधन के कड़ी ला के पढ़ाते हुए गुड़हाल पिंड लिंगो बाबा ना सेवा सेवा जिम्मेदारी न्याय ना सेवा सेवा हमारे एक प्रमुख डीही ग्राम और हमारे बीच में उपस्थित हमारे राम गांव के पटेल घसिया नेता जमरो जी और अभी आप मन सुनत रहे हो जो आप मन बैठे वाकई में हमारा समाज बहुत ही विशाल है आज
नहीं होते ना, ये समाज नहीं होती ना, इस समाज में आज क्या जागरूकता आई है। तब तक तो हम केवल पैजामा कुर्ता तक थे, हमारे बाबा लोग हमारे दादी लोग लंगोटी पहनते थे, वही लंगोटी वही धोती कुर्ता वही हमारी संस्कृति। आज विश्व में हमारे मामा लक्ष्मण मरकाम जी स्वागत कराएंगे यूट्यूबर का, जो स्वागत कराए क्योंकि यूट्यूबर ना ग्लोबल है, वैश्विक है, इन लोग पूरे विश्व में फैलाते हैं कि ये हमारी कल्चर है। यही कल्चर के कारण आज मोदी भी मजबूर है। मैं हर उपकरण में बात को रख रहा हूँ, आप सभी उपकरण करना भी होगा और करना ही है, आपको करना है, सब तैयार है। और इसी के साथ श्यामन ओकर नाम लग जिम्मेदारी माता कही, ओकर से पहले चिकले आया गात रही।